हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन एट लेक्चर ऑफ चैप्टर मोशन क्लास 9। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सेलरेशन एंड 2-3 न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो टिल नाउ वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड ऑल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। First numerical, that is a car cover first 50 km of its journey in 45 minutes. Means this is your car and it covers a 50 km in 45 minutes. Okay, so this is first stage. Now second, again the car is in motion and next 50 km in next 50 km in half an hour, next 50 km in half an hour, half an hour means 30 minutes. Okay, and next 50 km in 1 hour, third one is again the car travel of 50 km in 1 hour. Okay, so it's not required now that we convert into meter per second because 1 hour kilometer and 1 hour is in hour. Yes, we can convert. This is 3/4 hour, this is 1/2 hour, and this is 1 hour as it is. Because 1 hour is equal to 60 minutes, 45 by 60, 3/4, 30 by 60, 1/2. Like this, we can convert. Okay. So we need to find out average speed. Average speed is equal to total distance by total time. Total distance by total time. So total distance is 50, 50, 50, 150. Okay, and total time is 3/4 hour. We can solve it further. 3/4, 1/2, and 1. इस पर अच्छे solve कर लो. तो LCM is 8. LCM is 2 to the 4. तो 4 आएगा इसका LCM. तो ये बन गया आपका 3 + 2 + 1. ठीक है ना? 3 to 5 + 1, 6/4. LCM यही आएगा, 2 to the 4, yes, यही LCM आएगा, 6/4. So divide by 6 into 4, that's it. So now ये कितना बना आपका, 3 to the 6, 3 by 50, तो ये बन गया आपका 200, ये 2 to the 4, तो ये बन गया आपका 100 km/h. ये आ गई आपके पास एवरेज स्पीड, ठीक है ना? ये हो गई आपके पास एवरेज स्पीड, ठीक है? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन में करा देता हूँ। एक और क्वेश्चन में कह रहा है that which of the following is moving faster? आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। ऑप्शन ये सेकंड में क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि स्कूटर इज मूविंग विद 300 मीटर पर मिनट, 300 मीटर पर मिनट, और अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? अ कार इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 300 मीटर पर मिनट, सो कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? दिस इज 300 डिवाइड बाय मिनट है ना, तो मिनट, ए 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड, तो ये कैंसिल, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट दिस, 36 × 5/18 km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 × 5 × 10 m/s। सो दिस इज 5, दिस इज 10, सो कार इज मूविंग फास्टर देन स्कूटर, ठीक है? कर लोग इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है? एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे देखो इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं कि कार है, ये आपके पास कार है, यहाँ पे ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर गई है बाय ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर, बाय ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर, एंड देन रिटर्न टू पॉइंट ए अगेन बाय ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर। Now for A to B it takes 1 hour and for B to A it takes 1.5 hour.
suppose. Okay, so you have to find out average velocity. Average velocity is total displacement by total time. So what is total displacement? The car starts from A and terminate at A. A से शुरू हुआ था, A पर ही खत्म हो गया, तो total displacement zero हो गई. Then average velocity is 0 km/h, ऐसा लिख दो, या 0 m/s, ठीक है ना? तो इस तरह से आप कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना. नेक्स्ट अब हम करते हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है? देखिए एक्सेलरेशन एक न्यू टर्म है आप लोगों के लिए. क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे सपोज बेटा आप कार बाइक या एक्टिवा कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है ना? देन अगर ऐसा हो कि एट टाइम टी द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 km/h, 60 km/h, ठीक है ना? एंड आफ्टर टाइम टी के बाद टी डैश पर, यानी थोड़े टाइम बाद, या आफ्टर टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, या वैल्यू लिखना चाहो तो यहाँ पे 9 बजे लिख दो और यहाँ पे लिख दो 9:05 पे, ठीक है ना? या 9:05 की जगह 9:01 लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो. टाइम बदल गया, टाइम चेंज हो गया, टाइम के साथ साथ कह सकते हैं. अब ये हो गया 70 km/h, तो इसमें क्या है वेलोसिटी चेंज, इसमें तो क्या स्पीड चेंज हो गई. यहाँ पर 60 km/h से था, यहाँ पे 70 km/h से था. अगर वेलोसिटी की टर्म में लिखा जाए तो क्या होगा बेटा, 60 km/h इन मोल, ठीक है? और v2 वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो गई, 70 km/h इन मोल, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्शन भी है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं थी, तो ये स्पीड है. तो स्पीड में चेंज आना या वेलोसिटी में चेंज आना, इसको आप क्या बोलोगे, जनरली एक्सेलरेशन बोलोगे. हालांकि एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना? एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. तो आप इस चैप्टर में, इस आपकी 9th क्लास में, अभी जो आप बात करोगे वहां पे डायरेक्शन चेंज के बारे में बात नहीं करोगे, वहां पे सिर्फ क्या बोलोगे कि मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया, ठीक है ना? आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कार वेलोसिटी पहले 60 km/h नॉर्थ से चल रही थी और उसके बाद वो 60 km/h नॉर्थ की बजाय साउथ से चली गई, ठीक है ना? ऐसा इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अभी तक आपके सिलेबस में. आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, ये 60 से 70 हो गया, 60 से 40 हो गया, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है. तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, is called acceleration. Change in velocity with respect to time, इसको हम बोलेंगे acceleration. Velocity में change आना. अब देखो क्योंकि मैं चीज clear कर दूँ आपको यहाँ पे, velocity जो है उसके पास दोनों चीजें होती हैं बेटा, magnitude भी होता है और direction भी होती है, ठीक है ना? Velocity के पास दोनों चीजें होती हैं, magnitude भी होता है और direction भी. तो या तो magnitude में change आएगा, जैसे पहले 60 से चल रहा था फिर 70 का हो गया, या 60 से चल रहा था 40 हो गया, 60 से चल रहा था कुछ भी, मैग्नीट्यूड में चेंज आना, कम या ज्यादा, ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड चेंज, ठीक है, तो भी क्या होगा, एक्सेलरेशन. और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना? एक बार मैंने फिर पहले भी बताई, अब फिर बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में नहीं आएंगे. आपके सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इसकी यूनिट देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं इसका, बता दो इसको यश, चलिए देखिए. तो फॉर्मूला बना हमारे पास एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये देखिए एक्सेलरेशन सिंबल हो गया इसका ए, स्मॉल ए, ठीक है? फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है ना? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है. वेलोसिटी में चेंज क्या होगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी, कहीं पर भी चेंज निकालते हैं तो
तो कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू किसकी, वेलोसिटी की। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। माइनस क्यों किया, क्योंकि चेंज निकाल रहे हैं। माइनस इस क्यों किया, क्योंकि चेंज निकाल रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब टाइम भी आप अलग अलग ले सकते हो, टाइम टी टू माइनस टी वन, क्योंकि टाइम में भी तो चेंज आया होगा ना। पहले जब इनिशियल वेलोसिटी थी तो टाइम कुछ और होगा, जब फाइनल वेलोसिटी होगी तो टाइम कुछ और होगा। तो टाइम एट फाइनल वेलोसिटी माइनस टाइम एट इनिशियल वेलोसिटी, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल था हमारा वी, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल था हमारा यू, और ये हो गया हमारा टाइम टी टू माइनस टी वन इज योर एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब एक बात देखो जरा बेटा, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ऊपर क्या है आपके पास, वेलोसिटी है, ठीक है ना। ऊपर क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम फाइनल वेलोसिटी की यूनिट अलग से लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट अलग से लिखेंगे। जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। सपोज ये आपका 70 किलोमीटर पर आर था और ये 60 किलोमीटर पर आर था, तो चेंज कितना आ गया आपका, 10 किलोमीटर पर आर। तो यूनिट एक ही बार लिखनी पड़ी ना, दो बार तो नहीं लिखनी पड़ी। इसी तरह से यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये 5 सेकंड था, ये 2 सेकंड था, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका चेंज इन टाइम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम, और ये भी कितना होगा, सेकंड होगा। अगर आप सेकेंड ले रहे हैं कोई बात नहीं है, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें एक ही बार यूनिट को लिखना पड़ा ना, दो बार तो नहीं लिखना पड़ा। तो यूनिट यहाँ पर हो गई बेटा मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड में क्या है, चेंज इन टाइम, जिसकी यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इसको वन से डिवाइड किया जा सकता है। अब रजनीकांत कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड इंटू वन बाय सेकेंड, वन ऊपर सेकेंड नीचे, तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट हो गई यहाँ पर एक्सेलरेशन की। तो फॉर्मूला क्या हुआ एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है वी, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है यू। टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टी टू माइनस टी वन, ठीक है जी। अब उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन टाइम। अब ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको यूनिट के बारे में बता सकूं, यूनिट हमें एक ही बार लेनी पड़ती है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड बाय वन, वन बाय सेकेंड हो जाएगा, ये बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन जो है आपकी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे आपने पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी तरह से यहाँ पर पढ़ोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो मैं बताता हूँ, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नाम से पता लग रहा है बेटा कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो पहले वेलोसिटी थी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। उसके बाद हो गई 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद वो 30 से कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, और फिर से टाइम कितना लगा, 5 मिनट। तो इक्वल चेंज आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर का, कितने टाइम में, पर 5 मिनट में। तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, कि वो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन
अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज आए, ठीक है ना, कभी ज्यादा चेंज हो रहा है कभी कम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कभी टाइम सेम है कभी अलग अलग, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे, जैसे देखो ये 40 से आपका 60 चला गया, फिर 60 से 90 चला गया, ठीक है, फिर 97 50 चला गया, यहाँ पर टाइम कभी 1 मिनट लग रहा है, कभी 2 मिनट, कभी आपके 2 मिनट लग रहे हैं, कभी 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ इससे रिलेटेड आपको, देखिए जैसे हाँ जी देखो एक क्वेश्चन है कि एक बस है, एक चीज और मैं पहले बता देता हूँ आपको, एक चीज और देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, जैसे वो 40 से ये तो 60 जा रहा है, फिर 90 हुआ, फिर 150 हुआ, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। जब बढ़े उसको क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेशन, और जो कम हो जब उसको क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन, या उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे पहले स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आर, उसके बाद वो 30 किलोमीटर पर आर हो गया, फिर 20 किलोमीटर पर आर हो गया, तो धीरे धीरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा उसको बोलेंगे रिटार्डेशन या नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, अदरवाइज अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ इससे रिलेटेड, देखो देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे एक बस चल रही है, आती है, कह रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और 5 सेकंड में बस रुक गई, ठीक है ना। तो बस चल रही है, तो बस की इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करो आपको गिवन टर्म्स लिखना आना जरूरी है, ठीक है ना, भाई क्या क्वेश्चन में गिवन है वो हमें पता होना चाहिए। तो गिवन क्या है, भाई कार गाड़ी चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, गाड़ी चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर से इनिशियल वेलोसिटी है, और ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और गाड़ी रुक गई, रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लगा उसको रुकने में, टाइम लगा है बेटा उसको 5 सेकंड का, क्या वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड। तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये हो गया 54 × 5/18 3, और ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड, 18 × 3 = 54 होता है, ठीक है। तो अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 15, और डिवाइड बाय टाइम, यूनिट सारी ऐसा ही यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और टाइम की यूनिट भी सेकंड है, तो सब यूनिट ठीक है हमारी, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है।